हमीरपुर जिला के बरसर उपमंडल में घोड़ी दबीरी के पास लगाए गए स्टोन क्रेशर के द्वारा नियमों को ताक पर किए जा रहे घट में खनन के मामले पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्यवाही के आदेश दिए हैं। हमीरपुर में जनमंच कार्यक्रम में पहुंची सरवीण चौधरी ने बरसर विधानसभा क्षेत्र की सुकर खंड में हो रहे अवैध तरीके से खनन पर संबंधित विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उद्योग मंत्री से भी बात की गई है और पुलिस भी कार्यवाही करती रहती है, फिर भी कमी रहने पर सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि अवैध खनन पर नियंत्रण होना चाहिए और सरकार की कोशिश रहती है कि खनन नहीं होना चाहिए। जिस किसी ने लीज पर लिए गए खड्डों में भी दायरे में रहकर खनन किया जाना है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर नियमों को ताक पर रखकर खनन को अंजाम दिया जा रहा है तो संबंधित विभाग को कार्यवाही करनी चाहिए। गौरतलब है कि गत कुछ दिन पहले ही चैनल के माध्यम से घोड़ी नमीरी के पास शुकरखंड में स्टोन क्रेशर के द्वारा जेसीबी के माध्यम से खनन का अंजाम देने का मामला उजागर किया था। वही मामले को जनमंच में पहुंची मंत्री सरवीण चौधरी के समक्ष उठाने पर मंत्री ने भी इस मामले में संबंधित विभाग को तुरंत छानबीन कर कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं। अवैध खनन है, ये निश्चित रूप से इस पर कंट्रोल होना चाहिए, इसीलिए चालान होते हैं कि डिस्कर्ज किया जाए। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि लोगों की रिक्वायरमेंट तो चलो जो है उसके अकॉर्डिंगली वो दाहिने बाइने से कुछ कोशिश करते होंगे रात के अंधेरे में भी, लेकिन सरकार की कोशिश रहती है कि खनन जो है वो ना हो। किसी ने लीज पे ली है, उसकी फीस भर रहा है, खड ली है, तो उसको अधिकार होता है। लेकिन आपने ये सही कहा कि बिना नंबर्स के भी ट्रैक्टर के नंबर पर उतार के भी लोग इसमें काम करते हैं, तो संवेदनशीलता के साथ हम कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल किया जाए। इसमें मैम सवाल ये है, आपकी जो बात है सरकार जहाँ पे इसमें काम कर रही है वहाँ पे हम उद्योग मंत्री जी से भी मैं बात करूँगी, क्योंकि तो ज़्यादा खनन का या रेवेन्यू का ही ज़्यादा केसेस हैं। मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि पुलिस के केसेस बहुत कम हैं, मतलब नहीं तो पुलिस वालों पे लगता है कि इन्होंने कुछ किया नहीं। तो इस ज़िले में हेल्थ की समस्याएं या बाकी चीज़ें वो काफ़ी जनमंच के माध्यम से नहीं आई, इसका मतलब अपने अपने विभाग का काम लोग कर रहे हैं। मैम